हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पाइथन के स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल का क्या यूज़ है, राइट? तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है स्टेटिस्टिक्स, राइट, इसका क्या मीनिंग है? इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग नंबर्स। ये साइंस है जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट सम रिजल्ट, राइट? मान लो गवर्नमेंट को ये पता लगाना है कि पॉपुलेशन में कितना राइज हुआ है, ओके? तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को वो कलेक्ट करेगी, राइट? उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितना राइज हुई है, ओके? तो यहाँ पे हम देखेंगे द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल ऑफ द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मेनी स्टेटिस्टिक्स फंक्शन सच एज मीन, मीडियन, मोड। तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको कुछ इनबिल्ट स्टेटिस्टिक्स फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, जिनको आप डेटा पे अप्लाइड करके उसका एनालाइज कर सकते हो, राइट? कुछ रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ओके? फॉर कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स ऑफ न्यूमरिक डेटा, राइट? तो यहाँ पे इन फंक्शंस का, स्टेटिस्टिक्स फंक्शन का यूज करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, फाइन। इंपोर्टिंग स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल। अगर आपको अपने प्रोग्राम में स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, ओके? इन ऑर्डर टू यूज स्टेटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम, ओके? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के फंक्शंस यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। तो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़ करके आप स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो अपने पाइथन स्क्रिप्ट में। फर्स्ट वन है इंपोर्ट स्टेटिस्टिक्स, राइट? सेकेंड क्या है, फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इंपोर्ट मीन, मीडियन, मोड, राइट? तो यहाँ पर आप एक साथ तीनों फंक्शंस को भी इंपोर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ अगर मान लो एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना चाहते हो मॉड्यूल में से, तो आप कैसे लिख सकते हो, फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इंपोर्ट मीन या फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इंपोर्ट मीडियन। तो यहां पे आप सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन को यूज करोगे, फाइन। सो फर्स्ट वी हैव द मीन फंक्शन। द स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन मैथड कैलकुलेट्स द मीन ऑफ द गिवन डेटा सेट। स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल का मीन मैथड जो भी डेटा सेट उसमें पास किया जाता है उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करता है, रिटर्न करता है, राइट? मीन वैल्यू कौन सी होती है, एवरेज वैल्यू, राइट? तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एड अप ऑल द गिवन वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एड कर दो एंड देन डिवाइडेड बाई हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर, राइट? ओके, और मान लो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, मैं यहाँ पे वैल्यू होगी 2, 4, अगेन 2 एंड अगेन 4, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, ओके? इन सबको ऐड कर दोगे 2, 4, 5, 6, 6 एंड 6, 12, राइट? ओके, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, नंबर ऑफ द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, राइट? तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ओके, 4, 3 जा 12। तो ये जो 3 निकल के आया है वो आपका क्या है, वो आपकी मीन वैल्यू है, राइट? ओके, तो मीन निकालने का सिंटेक्स क्या है, स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन, और इसके अंदर आप पास करोगे मीन फंक्शन के अंदर डेटा, राइट? जो डेटा है वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई भी आइट्रेटर हो सकता है। आइट्रेटर मीन्स जिसमें आप डेटा को आइट्रेट कर सको, वन बाय वन डेटा को एक्सेस कर सको, राइट? ओके, नाउ रिजल्ट क्या होता है, इट रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट वैल्यू की फॉर्म में आएगा, ओके, फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, गिवन जो भी डेटा सेट आपने मीन फंक्शन के अंदर पास किया है उसकी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ओके? तो मीन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगी और इसको मैं एस कर रही हूँ, राइट? ये एस क्या है, इसका एलियस नेम है, तो मैं हर जगह स्टेटिस्टिक्स वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, इन प्लेस ऑफ डेट वर्ड आई विल यूज़ एस, ठीक है? मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, अब हम इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो मैंने मान लो सबसे पहले एक लिस्ट ले ली, लिस्ट में मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, दिस इज माई लिस्ट, राइट? अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट की मीन वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एस डॉट मीन फंक्शन, एस स्टैंड फॉर स्टेटिस्टिक्स, राइट? स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, और मीन फंक्शन में आप पास कर दो लिस्ट को, ओके? तो ये आपकी जो 30 निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, इसकी एवरेज वैल्यू
निकल के आई है. ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? एडिशन ऑफ द गिवन डेटा, राइट, यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी लिस्ट दी हुई है उसके डेटा का एडिशन होगा एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा, जैसे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5. ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट की जगह टपल ले लेती हूँ, कोई भी सिक्वेंस आप ले सकते हो. मैंने यहाँ पे टपल को ले लिया, टपल में हम ले लेते हैं डेटा 5 6, ओके 7, अगेन 6 ले लेते हैं, देन 2, देन 4. दिस इज माई टपल, राइट. अब इसकी एवरेज हम निकाल लेंगे एस डॉट मीन, और इसमें आप टपल को पास कर दो, राइट. तो इसकी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 5. ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिस्ट में जो डेटा लिया है वो इंटीजर डेटा लिया है. मैं इसमें फ्लोट भी ले सकती हूँ. ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया फ्लोट डेटा, लेट अस सपोज मैंने ले लिया 2.5, ओके, और 4.5, 6.0, राइट, एंड 7.8. दिस इज माई फ्लोट डेटा, राइट. अब मैं इसका निकाल दूंगी मीन, एस डॉट मीन, एंड देन इसमें आप पास कर दो टपल को, राइट. ये आपकी क्या है, ये आपकी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई है, मीन वैल्यू निकल के आ गई है, फाइन. इंटीजर डेटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लोट डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा यूज़ नहीं कर सकते. अब यहाँ पे मैं शो करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग डेटा की हम लिस्ट ले लेते हैं, एल में ले लेती हूँ एल, राइट. मैंने ले लिया 22 क्या है, मेरा स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या दिया है, सिंगल कोट्स में दिया, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है. तो 30 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 50, इतना ही शो कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ एरर ही आनी है, राइट. ये स्ट्रिंग डेटा को, बिकॉज ये क्या मैथमेटिकल फंक्शन है, इस पर अप्लाई नहीं होगा, फाइन. और अगर मैं कोशिश करती हूँ, देखो मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे मीन किया, राइट, और मैंने यहाँ पे एल को पास कर दिया, फाइन. तो अब क्या आएगा, मेरे पास एरर आएगी, एरर आ गई आपके पास, ओके, टाइप एरर आ गई, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ के ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट. और सेकंड थिंग, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एल लिया, राइट, और एल मैंने जो लिस्ट लिया वो एम्प्टी ली है, उसके बाद मैं फंक्शन अप्लाई करना चाहती हूँ, मेरा जो डेटा है वो एम्प्टी है, उसके बाद मैं करना चाहती हूँ एस डॉट मीन, ओके, एंड देन आपने इसके अंदर पास कर दिया एल को. तो यहाँ पे एम्प्टी डेटा आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या होगी, एरर आएगी आपके पास, स्टेटिस्टिकल एरर आएगी. देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखो स्टेटिस्टिक्स एरर आ चुकी है, वाई, बिकॉज जो आपने डेटा पास किया था वो एम्प्टी डेटा है, राइट. नेक्स्ट फंक्शन इज मीडियन फंक्शन. द स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन मेथड कैलकुलेट द मीडियन, दैट मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट, राइट. तो मीडियन मेथड क्या करता है, जो भी गिवन डेटा सेट है उसमें से मिडल वैल्यू रिटर्न करता है, ओके, इसमें से मिडल वैल्यू फाइंड आउट करके उसको रिटर्न करता है. दिस मेथड ऑल्सो शॉर्ट्स द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बिफोर कैलकुलेटिंग द मीडियन. और ये फंक्शन एक और वर्क करता है, जो भी डेटा सेट आपने इसके अंदर पास किया है उसको ये पहले अरेंज करता है इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करता है, राइट. नाउ वी हैव अ नोट हियर, इफ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इज ऑड, अगर डेटा वैल्यूज मान लो ऑड है, 3 है आपके पास, 5 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज हैं, तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द एग्जैक्ट मिडल वैल्यू. तो ये जो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इज इवन, अगर नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इवन है आपके, 2 है या 4 है, 6 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द 2 मिडल वैल्यूज. तो ये जो 2 मिडल वैल्यूज होगी उनकी एवरेज निकाल के आपको रिटर्न करेगा, फाइन. नाउ दिस इज द सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या है आपका, स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन, और इस मीडियन फंक्शन के अंदर आप अपना डेटा पास करोगे. वे डेटा कैन बी एनी सिक्वेंस, डेटा आपका कोई भी सिक्वेंस हो सकता है, लिस्ट, टपल, आइट्रेटर, कोई भी आइट्रेटर. आइट्रेटर क्या होता है, वो सिक्वेंस जिसको आप आइट्रेट कर सकते हो, जिसके वैल्यूज को आप वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो, राइट. इफ द डेटा इज एम्प्टी रिटर्न्स अ स्टैटिस्टिक्स एरर, अगर आप एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी टपल पास करते हो, राइट, एम्प्टी डेटा पास करते हो, तो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स एरर ये रिटर्न करेगा, राइट. इट रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मीडियन मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, राइट. जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, फ्लोट वैल्यू होती है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन डेटा सेट की मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फाइन. तो मीडियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को, एस टी ए टी आई एस टी आई सी एस एस
एस, तो एस क्या है, इसका एलियस नेम है। ओके, मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लेती हूँ। फाइन, मैंने ले लिया 3, देन आपने ले लिया 2, ओके, और फिर मैंने ले लिया 1, एंड देन हम लेते हैं 4, 5, राइट। ओके, ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इसमें वैल्यूज ले लिए हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इस लिस्ट में हम अप्लाई करेंगे मीडियन फंक्शन को, तो एस डॉट मीडियन और लिस्ट को मैं इसके अंदर पास कर देती हूँ। फाइन, देखो आपका जो रिजल्ट आया वो 3 आया है। 3 कैसे आया, पहले लिस्ट को इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो ये कैसे हुआ होगा आपका, यहाँ पे देखो ये इसने पहले 1, देन आपका हुआ होगा 2, देन 3, देन 4, देन 5, राइट। ये आपकी लिस्ट ऐसे अरेंज हुई होगी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिडिल वैल्यू आई है, मीडियन से आपका क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स मिडिल वैल्यू, तो यहाँ पे 3 आपका आंसर आ गया है। फाइन, ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे एक और लिस्ट लेती हूँ मैं यहाँ पे, लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली, लेट अस सपोज ये मेरी लिस्ट है 1, 2, 3, 1, 2, 4 ले लेते हैं, 4, देन 8, देन 9, राइट। अब देखो ये मेरी कौन सी लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, तो ये मेरी ऑड नंबर लिस्ट है। ऑड नंबर लिस्ट है तो ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा। फाइन, तो अगर मैं इसको करती हूँ एस डॉट मीडियन, मीडियन, और इसमें पास कर देंगे हम अपनी लिस्ट को, तो देखो एग्जैक्ट जो मिडिल एलिमेंट था वो रिटर्न हुआ है। ओके, और अगर मैं इसके प्लेस पे क्या करती हूँ, इवन नंबर लिस्ट को लेती हूँ, मैंने इवन नंबर लिस्ट को लिया यहाँ पर, और यहाँ पे एलिमेंट्स ली 1, 2, 3, राइट, एंड देन 7, 8, एंड 9। ओके, अब इवन नंबर लिस्ट में ये क्या करेगा, जो 2 मिडल एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज निकालेगा। ओके, एंड उनका एवरेज जो निकल के आएगा वही इसकी मीडियन वैल्यू होगी। फाइन, तो यहाँ पे हम करेंगे एस डॉट मीडियन, उसमें पास कर देंगे लिस्ट को। ओके, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 5.0। कैसे आया है, 3 प्लस 7 आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके आगे आपका आ गया 5.0। ओके, तो समझ आया आपको, यहाँ पे अगर आपके पास ऑड वैल्यूज है तो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू आपकी आ जाएगी, और आपके पास इवन वैल्यूज है जो, तो क्या होगा, 2 मिडल वैल्यूज की एवरेज निकल के आपके पास आ जाएगी, और वही एवरेज आपकी क्या होगी, मीडियन वैल्यू होगी। फाइन, सेम मीन फंक्शन की तरह आप सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज के ऊपर या फ्लोट वैल्यूज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टपल ले लिए, टपल को ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, मैंने ले लिया 2.5, ओके 6.0, देन आप ले लो यहाँ पे 5.5, राइट। तो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे ऑड मैंने ले लिए टपल, राइट। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मीडियन इसमें हम टपल को पास कर देते हैं। फाइन, तो आपका रिजल्ट निकल के आ गया 5.5 क्यों आया, क्योंकि पहले ये अरेंज हुई है 2.5, फिर 5.5, देन 6.5, और ये कौन सी है, ऑड आपकी टपल है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू आएगी 5.5 अरेंज होने के बाद। देखो पहले ये अरेंज होगी, पहले आएगा आपका 2.5, ओके, देन आपका आएगा 5.5, राइट, एंड देन आपका आएगा नेक्स्ट आपका 6.0। फाइन, ये अरेंज होगी, उसके बाद आपकी जो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू है 5.5 वो आपकी आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। फाइन, तो आप इसको फ्लोट नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो मीडियन फंक्शन को, लेकिन आप इसको स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। और आप इसको अगर एम्प्टी लिस्ट ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्टी लिस्ट ले लिया, मान लो एम्प्टी लिस्ट लिया, तो क्या होगा, मेरी स्टैटिस्टिक्स एरर आ जाएगी। फाइन, अगर मैं इसको शो करके दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे एस डॉट मीडियन किया, ओके, और एम्प्टी लिस्ट को इसके अंदर पास कर दिया, तो आपकी एरर आ जाएगी, स्टैटिस्टिक्स एरर आ गई है यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट वी हैव मोड फंक्शन। द स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड मैथड रिटर्न्स द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। तो मोड मैथड किसी भी सीक्वेंस में से, डेटा सेट में से मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को फाइंड आउट करके रिटर्न करता है, वो वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट, जो सबसे ज्यादा टाइम अकर हुई है विद इन अ गिवन डेटा सेट, राइट। तो इसका सिंटेक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड
एंड आप इसमें क्या पास करोगे, जो भी डेटा आपको जिसका मोड फाइंड आउट करना है. फाइन, वेयर डेटा कैन बी एनी सीक्वेंस, लिस्ट और आइटरेटर. इफ देयर आर मल्टीपल मोड्स विद सेम फ्रिक्वेंसी, मान लो एक ही डेटा सेट में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, मतलब कोई मान लो 2 है, वो 2 टाइम्स अकर हुआ और 3 भी 2 टाइम्स अकर हुआ, तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है. तो इस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न द फर्स्ट ऑन एनकाउंटर, जो सबसे पहले आपको, जो सबसे पहले एनकाउंटर होगा, जो सबसे पहले आएगा वो रिटर्न होगा एज अ रिजल्ट. फाइन, इफ द सीक्वेंस इज एम्प्टी, अगर आप इसके अंदर एम्प्टी सीक्वेंस पास करते हो तो मोड फंक्शन स्टैटिस्टिक्स एरर को रेज करेगा. ओके, तो मोड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे. राइट, एस मैंने इसका एलियस नेम लिया है. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपने ले लिया 21, देन 24, देन अगेन 21 ले लेते हैं, देन 45, राइट, 56, 67 एंड 21, राइट. तो अब इस पे आप अप्लाई करेंगे एस डॉट मोड फंक्शन. एस क्या है, आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है. राइट, इसमें आप L को पास कर देंगे. फाइन, तो देखो 21 निकल के आया. 21 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 21 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स 21 आया है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. राइट, अब मान लो मैं एक लिस्ट लेती हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज़ की फ्रिक्वेंसी सेम है. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 10, देन मैंने यहाँ पे ले लिया 20, देन अगेन 10 ले लिया आपने, फिर अगेन 20 ले लिया मैंने यहाँ पे, 30 एंड 30. राइट, तो यहाँ पे देखो 10 भी 2 टाइम्स आया, 20 भी 2 टाइम्स आया एंड 30 भी 2 टाइम्स आया. फाइन, तो अगर हम इसको अब देखेंगे एस डॉट मोड एंड देन एल, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 10. 10 क्यों आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आपका मोड फंक्शन है उस जो फर्स्ट वैल्यू एनकाउंटर होगी, जो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू उसको दिखेगी, राइट, सेम फ्रिक्वेंसी में जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू दिखेगी वो उसे ही रिटर्न करेगा. एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे टपल ली, लेट अस सपोज, और यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 70. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया 80. ओके, देन मैंने ले लिया 60 एंड देन अगेन 60. ओके, देन मैंने यहाँ पे ले लिया अगेन 45 एंड देन 45. राइट, तो अभी तो फ्रिक्वेंसी 45 की ज़्यादा है, तो हम 60 की ले लेते हैं, 60 को बराबर कर देते हैं. तो देखो 60 और 45 इक्वल हो गए हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी 33 है. तो यहाँ पे ये किसको रिटर्न करेगा, ये करेगा 60 को रिटर्न, क्योंकि सबसे पहले वो 60 एनकाउंटर होगा. ठीक है, तो हमने क्या एस डॉट मोड, फाइन, और इसमें आपने टपल को पास कर दिया. फाइन, तो 60 आया, क्योंकि पहले क्या हुआ है, 60 को एनकाउंटर किया इसने. फाइन, समझ आ रहा है, मतलब पहले 60 इसको मिला है तो उसने 60 ही वैल्यू आएगी. अगर पहले से 45 मिलता, देखो अगर मैं इसको करती हूँ टपल को, मैंने यहाँ पे किया, देखो मैंने यहाँ पे किया 70, देन 45, देन 80, देन 80, देन 45. ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई करती हूँ एस डॉट मोड फंक्शन, इसमें टपल को मैं पास करती हूँ, तो आपका क्या आएगा, रिजल्ट 45, क्योंकि इसको पहले क्या मिला है, 45 मिला है, क्योंकि 80 और 45 की फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या आया, 45 आया है. राइट, ओके, अब मोड फंक्शन को आप स्ट्रिंग वैल्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं. तो मैं मान लो यहाँ पे लिस्ट ले लेती हूँ, मैंने लिस्ट ले ली, यहाँ पे कलर्स की लिस्ट ले लेते हैं हम लोग, रेड, ओके, देन ब्लू, एंड देन मैंने फिर से ले लिया रेड. ओके, फिर से आपने ले लिया रेड. फाइन, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया एस डॉट मोड. तो देखो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, रेड कलर की है. राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रेड. तो आप यहाँ पे मोड फंक्शन को स्ट्रिंग वैल्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हो. बट अगर आपने एम्प्टी लिस्ट को पास किया तो क्या हो जाएगा, आपकी एरर आ जाएगी. मैंने यहाँ पे एस डॉट मोड किया, राइट, और उसमें एम्प्टी लिस्ट को पास कर दिया, एरर आ गई आपकी स्टैटिस्टिक्स एरर. फाइन, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.